कबीर सिंह, एक ऐसा किरदार जिसे हमने हिंदी सिनेमा में आज तक नहीं देखा। कबीर सिंह बहुत गुस्सैल है, अड़ियल है, एंड ही इज़ वेरी रॉ एंड डेंजरस। हर कोई उससे डरता है, उससे उलझना तो दूर, लोग उससे बात करने से भी कांपते हैं। सोचिए, इन सब चीज़ों के बावजूद एक ऐसा बंदा है जो उससे हमेशा पंगा लेने के लिए रेडी रहता है। यहाँ तक कि वह कबीर की गर्लफ्रेंड प्रीति को भी होली के दिन छेड़ने से नहीं कतराता। और इस डेयरिंग बाज बंदे का नाम है अमित। दोस्तों, एक हीरो का किरदार तभी उभर कर आता है जब उसका विलन दमदार हो, और अमित ऐसा ही एक जोरदार विलन है जिसे पीटने के बाद कबीर का हीरोइज्म फुल ऑन बाहर आ जाता है। और आपको बता दें कि अमित इससे पहले कबीर के दूर के कर्जिन ब्रदर अर्जुन रेड्डी यानी कि कबीर सिंह की ओरिजिनल फिल्म में भी ऐसा काम कर चुका है। और इस किरदार में जिस एक्टर ने जान फूंक दी है उसका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा की पहचान अब एक हैदराबादी एक्टर के रूप में बन चुकी है। उन्होंने अर्जुन रेड्डी में अपनी अमित की भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया था। एटीट्यूड के मामले में वो अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह से बिल्कुल कम नहीं है, बट इन अ निगेटिव वे। अमित हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे। वो सेवंथ या एट्थ स्टैंडर्ड में रहे होंगे और मात्र 1000 रुपये लेकर वो मुंबई भाग गए एक्टर बनने के लिए। मगर वो बहुत छोटे थे, पैसा ख़त्म होने की वजह से वे घर वापस आ गए। उनके पिता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके एक्टर बनने के ख्वाब को उनके परिवार वाले भरपूर सपोर्ट करेंगे। उनके पिता ने अपने फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन के नाम पर अपने बेटे का नाम अमित रखा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका बेटा भी एक दिन एक्टर बन जाएगा। अमित का बचपन काफ़ी संघर्ष भरा था। उनके पिता पानीपुरी का स्टॉल लगाते थे। खाली समय में अमित फूल बेचने और एक टेक्सटाइल शॉप में साड़ी बेचने तक का काम कर चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब वे एक स्नैक्स की दुकान में पॉकेट मनी के लिए रद्दी पेपर काटते थे। इन सब चीज़ों को याद करते हुए वे कहते हैं, मैं भले गरीब था लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग। मैं डेली ढोकला पार्सल करता था और पेपर के टुकड़े काटता था, जिसे दुकानदार समझ नहीं पाता था कि मैं क्यों ऐसा काम करता हूँ। लेकिन ढोकला को एक ही दिन में बेचकर ख़त्म करना होता है, सो जो बच जाता था दुकानदार मुझे दे देता था और मेरे भाई के साथ उसे मैं डिनर में खाता था। और जब मैं ये सब कर रहा था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि मुझे एक दिन एक्टर बनना है। उसके बाद उन्हें कुछ फिल्में मिलती रही लेकिन वे सभी बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। फिर वे हैदराबाद के समाहारा ग्रुप से एक्टिंग सीखने के लिए जुड़ गए। क्योंकि वे फीस देने के काबिल नहीं थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्या वे उन्हें सिर्फ देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स से दोस्ती कर ली और उनके घर जाकर उनसे एक्टिंग सीखने लगे। कुछ इस तरह था उनके भीतर एक्टर बनने का जुनून। अर्जुन रेड्डी के एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने उन्हें फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से मिलाया और वे ऑडिशन के लिए गए। लेकिन वे बताते हैं कि उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। संदीप उनसे 3 घंटे तक बात करते रहे और बातचीत के अंत में वे सेलेक्ट हो चुके थे। उन्होंने संदीप से रिक्वेस्ट किया कि वे फिल्म में उनका नाम अमित ही रखें। फिल्म अर्जुन रेड्डी बनी, रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के काम के साथ साथ अमित शर्मा के काम की भी भरपूर प्रशंसा हुई। अमित शर्मा ने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के अलावा रंगस्थलम, सुब्रमण्यपुरम और कल्कि जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया है। और उनकी आने वाली फिल्मों में से प्रभास की मच अवेटेड फिल्म साहो भी है। अमित कहते हैं कि अब वो पहले से बेटर अर्निंग कर रहे हैं और वो सेविंग करना चाहते हैं ताकि एक्टिंग की और बारीकियां सीखने के लिए वे लंदन या USA जा सकें। हम होप करते हैं कि इस डेडिकेटेड और टैलेंटेड एक्टर को उसकी मंजिल जरूर हासिल होगी। हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय के फॉर कर्तव्य। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे ही अननोन खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।